यारों का तशन है। पापा मम्मी दादी कूल, ये तुम्हारी रियल दादी है, यानी कि मेरी मम्मी है ये। अरे मेरा पोता है ये, आजा गले लग जाओ। मैं तो अपने पोते के साथ खाना खाऊंगी। यारो बाहर आओ। अरे आओ बेटा, यहाँ आके बैठो, मेरे साथ खाना खाओ। वो नहीं आएगा मम्मी जी, मेरा मतलब नहीं खाएगा वो खाना। क्यों क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे खाका के घर पे खाना कहाँ खाते हैं, ये भी अपने फ्रेंड्स फास्ट फूड में खा के आता है अपने दोस्तों के साथ। इसे ना मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। मुझे भी कौन सा पसंद है तेरे हाथ का खाना, मजबूरी में खाना पड़ता है। खैर यारो, आज से मैं तेरे लिए खाना पकाऊंगी एकदम गर्मा गर्म, और अपने हाथ से खिलाऊंगी भी। फिलहाल मैं तेरे लिए ना एक गिलास दूध लेकर आती हूँ। ले यारो बेटा, दूध पी ले। अरे पी ले। दादी कूल, यारो का पेट भर गया है, यहां तक यारो ने बहुत सारा खाना खा लिया है। अरे यारो, खाना खाया ना तो क्या हुआ, एक गिलास दूध पी ले। मम्मी मम्मी मम्मी, ये देखो, ये इधर इधर लैब है मेरी लैब, और ये बाहर मैंने इस पे ग्लास लगाया है, इस पे सब फॉर्मूला लिखता हूँ। लेकिन मजे की बात यह है, जब मैं अंदर से देखता हूँ तो मुझे वो फॉर्मूला उल्टा नजर आता है, लेकिन उस फॉर्मूले का मतलब एक और कुछ और ही निकल आता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1358 टू द पावर ऑफ 10। अभी उसको उल्टा पढ़ो ना, टू द पावर ऑफ 10 8531 इज इक्वल टू y माइनस x हो जाता है, एंड दिस इज रिमोटली रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अरे चुप कर कदो, तेरे ये फॉर्मूले मुझे पहले भी पसंद नहीं थे और अब भी पसंद नहीं है। चल बेटा दूध। ये दूध कहाँ गया? मैंने तो अपना हाथ टेढ़ा भी नहीं किया। यारो ने अपने आप को टेढ़ा कर लिया ऐसे, हा? और दूध पी लिया ऐसे, और देखिए सबूत भी है, मूंछ भी बन गई। ये तुमने सही कहा, ये कद्दू भी जब दूध पीता था ना तो इसकी भी मूंछें बन जाती थी। अब मैं आराम से बैठकर खाना खाऊंगी। अरे वाह, बिल्कुल अपनी दादी पे गया है, इसे भी गाना सुने बगैर नींद नहीं आती। जैसी दादी वैसा पोता। इतने प्यार से सो रहा है। इसका क्या करूं? मैं ना इसे कहीं छुपा देती हूँ, यारो जब सुबह उठेगा उसे एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ छुपाऊं? अरे हाँ, इस कपड़े में छुपा देती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? यारों के कबर में सिर्फ जैकेट और टी-शर्ट थी।
पापा बाथरूम में चार्ज हो रहा है, तो जब तक बाहर नहीं आता कहीं मम्मी पूछ ना ले कि यारो कहाँ है। यारो कहाँ है? अब बाथरूम में मम्मी, इतना नहाता है ना ये लड़का, अरे नहाता ही रहता है। अरे यारो बाहर निकल बेटा, तू तो नहाऊ बच्चा है बिल्कुल, बाहर आ जा। अरे ओ कद्दू, तू अपना वक्त भूल गया? जब बाथरूम में नाली को बंद करके तू बाथरूम में पानी भर के उसमें एक एक घंटा स्विमिंग करता था, हाँ? कितनी मार खाई थी तूने मुझसे। मम्मी मुझे लगा कि उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई होगी। मतलब आपको तो सब कुछ याद है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। हेलो पापा, हेलो मम्मी, हेलो दादी, कौन? नालिया बेटा। हाँ पापा। जाओ बेटा जाओ, खेलो जाके जाओ। बाय यारो, जा। एक मिनट। यारो, तू नहाने से पहले भी ऐसा था, तू नहाने के बाद भी वैसे ही है। तेरे तो बाल भी गीले नहीं हुए, सेम टू सेम। हाँ दादी कूल, यारो ऐसा ही रहता है सुबह से लेके शाम तक, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल फ्रेश। यारो बेटा, मुझे लगता है तेरी आंख में गिर गिर के कुछ गिर गया, चल मेरे साथ अंदर में देखती हूँ। एक मिनट शिमला मिर्ची, तू तो देख देख के देखेगी, मैं एक ही बार में देख लूंगी। यारो इधर आ, इधर आ। आ यारो, देख बैठ गया। बीना जी, लगता है फिर से कोई ग्लिच आ गया यारो के अंदर। अगर उसकी आंख फड़कनी बंद ना हुई तो हम लोग गए काम से। तू कर करके कुछ करिए ना। क्या दादी कूल, यारो आंख मारता नहीं है, आंख अपने आप मर जाती है। मैं समझ सकती हूँ यारो, तुमने अपनी दादी के हाथ की चंपी मालिश नहीं करवाई ना। मैं चंपी मालिश करूंगी ना, फिर देखना तुम। बीना जी, अगर मम्मी ने यारो की कड़क चंपी कर दी तो सारा का सारा सिस्टम जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब मम्मी जी, चंपी, इसको चंपी से एलर्जी है ना यारो? हाँ यारो हेट्स चंपी, यारो को नहीं पसंद है कि कोई उसके सिर पे थाके नतीना के दिन तबला बजाए। अरे देख तो सही, तुझे मैं ऐसी स्पेशल चंपी करूंगी ना, तू बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। चंपी, फटाफट चंपी। इससे पहले कि यारो का सर्किट डैमेज हो, मुझे उसका ऑटो करेक्ट मोड ऑन करना होगा। आता आता। देखिए आंख मारनी बंद कर दी उसने। हाँ पापा, यारो ठीक हो गया। अरे मम्मी जी, आप भी कमाल करती हैं, मतलब कि आपने खाली मालिश के साथ ही ठीक कर दिया यारो को। अरे कमाल क्यों नहीं होगा, यारो ने पहली बार अपनी दादी के हाथ से स्पेशल चंपी करवाई है। क्यों यारो, मानते हैं ना अपनी दादी को? मान गया दादी आपको, आप दादी नहीं, दादी कूल हैं। दादी कूल। अमर प्रेम शिल्पी, एक खुशखबरी है, वो जो दादी कूल मिली थी वो कोई और नहीं, यारो की सगी दादी है। क्या? 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 अरे तो बहुत अच्छी न्यूज है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो दादी है ना, वो एक्चुअली में कूल दादी है, क्योंकि वो ढो अंकल की ढो करने के लिए हमारा एक तुरप का इक्का है। हाँ, और वैसे भी पहले हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड था यारो, पर अब तो दो दो है। अब मतलब यारो की दादी हमारी दादी, सबकी दादी, सबकी दादी कूल। हाँ हाँ, हमारी दादी। हेलो बॉयज। हेलो गर्ल भी है। बॉय, वो
boy. I'm man. Your man? I mean, the man. ये लोग boy. बिल मेरे पापा एक ग्रैंड पार्टी थ्रो करने वाले हैं और उसकी केटरिंग के लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है. अब एक अच्छा सा फूड सैंपल देना, अगर पापा को टेस्टी लग गया ना तो ऑर्डर तुम्हारा. सच में क्या बात कर रही हो तुम्हारी? तुम आओ यार, क्या कर रही हो तुम? बैठी क्यों हो? खड़ो ना, मतलब बैठो ना, बैठो ना, बैठो 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 यार. सही बात है. ए, प्रेम बेटा इधर आ. मैं क्या बोला, तुम क्या खाओगे? काटी रोल. एक काम करना, जिल के ना झट से जाओ और फट से स्पेशल फास्ट फ्रेंच फास्ट फूड वाला सैंडविच लेकर आके. बाय बाय. मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो तुम्हारी पार्टी वार्टी है किसके लिए? मेरे पापा बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इसी की खुशी में है पार्टी. अरे वाओ, वेरी गुड यार, कांग्रेचुलेशन. आप बात कर रही हो यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए ऐसा सैंडविच बनाऊंगा कि तुम्हारे पापा कहेंगे जो इतना अच्छा सैंडविच बना सकता है उसकी बॉडी कितनी अच्छी होगी. क्या हो रहा है ये? बड़ा पराई लड़कियों का हाथ पकड़े जा रहे हो. मेरा हाथ तो कभी नहीं पकड़ा. अरे जिल पराई थोड़ी ना, इसके पापा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. क्या बताने आई है? मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने आई हूँ. अरे ठीक है ना, मैं बहुत बिजी हूँ, तू 8-10 साल बाद आना. जा 8-10 साल बाद. हाँ भाई आओ. और सुनो, ये जो जगह है ना, ये इसमें 2-3 दादी का ठो मार दो, क्योंकि क्या है ना कि धुएं से सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे. ये क्यों आ गए? और एक बात का ध्यान रखना, ये जो ठेला खड़ा है ना, इसके पास बहुत से मच्छर हैं, वो निकल के मोहल्ले में आ जाते हैं ना, बिल्कुल गोली तरह मार देना उनको, है एकदम ठो कर देना तुम. है फटाफट धुआं मारो, जाओ तड़ातड़ काम करो, जाके चलो एकदम ठो कर दो. तो शुरू करो जल्दी से. अरे क्या कर रहे हो चतुर्वेदी जी, प्लीज रुक जाइए, 2 मिनट बात कर लीजिए प्लीज. गंदा धुआं, मैं जा रही हूँ. अरे जिल रुके जिल. अरे चतुर्वेदी जी क्या कर रहे हो आप? नीचे भी मारो चतुर्वेदी अंकल. क्या है ये, आप क्या कर रहे हैं? पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं, हमारे सारे फूड आइटम्स खराब हो जाएंगे, प्लीज थोड़ी देर रुकवा दीजिए. अरे बेटा तो बढ़िया है ना, अरे इस धुएं से ना सारे मच्छर भाग जाते हैं. अरे लोमा तुम ध्यान रखना कि कीड़े की तरह कहीं तुम इस धुएं के लपेट में ना आ जाओ, एकदम तुम्हारी ठो हो जाए. कीड़ा नहीं हूँ यारो हूँ, लेकिन प्लीज थोड़ी देर के लिए ये सब बंद करवा दीजिए. को सजा पहुंचा के रहेगा, बदला लेकर रहेगा. दादी, दादी कूल, आंखें खोलिए दादी कूल. क्या नाटक कर रहे हो यार तुम?
ये बंद करो सब बातें, दोबारा इधर हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे ना? चलो हमारे साथ। कैसी रही मेरी एक्टिंग? दादी आप एक्टिंग कर रही थी? अरे एक्टिंग करनी पड़ी ना उस चिलगोजे को भगाने के लिए। वैसे ये दादी कूल, ये सब कुछ करने के लिए तैयार आइए। वाओ दादी, अब तो डॉली से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हो। डॉली कौन? मैं डॉली। दादी कूल, आपने इतनी कूल एक्टिंग की कि हमारी फूड वैन का सारा फूड खराब होने से बच गया। थैंक यू दादी कूल। दादी कूल का एक असूल है, दादी कूल कोई भी काम फ्री में नहीं करती। सो जल्दी से मुझे एक चटकारेदार बर्गर खिलाओ। दादी क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे यार यारो, वो ना मिक्सर खराब हो गया है, तो अपना हाथ मिक्सर बना देना। ओके। हाथ का मिक्सर? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, इसके कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो यारो है ना, वो कटिंग बहुत अच्छी तरह करता है, तो जो कटिंग अच्छी तरह करता है, हम लोग उसको प्यार से मिक्सी कहते हैं, ना? ए मिक्सी, काटना। हाँ दादी, यारो बहुत अच्छी कटिंग चॉपिंग करता है, खच 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 खच। ऐसे करके। यारो ने अपने आप को टेढ़ा कर लिया ऐसे, और दूध पी लिया ऐसे, और देखिए मूछें भी बन गईं। यारो के पास सबूत भी है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। यारो को ना ये तेल मालिश वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे यार यारो, वो ना मिक्सर खराब हो गया है, तो अपना हाथ मिक्सर बना देना। कुछ तो खटक रहा है यारों में, कुछ तो अजीब है। दूध का गिलास टेढ़ा किए बगैर वो पूरा दूध पी गया, और चंपी मालिश के नाम पर कद्दू और शिमला मिर्ची घबरा क्यों गए? दोस्त अगर हाथ को ग्राइंडर मिक्सर बना ले मजाक था, प्रेम के कहने पे सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? गिर जाएगा। ऐसी बदमाशी नहीं करते हैं। अग्रवाल साहब, पिछली बार तो ये फॉर्मूला ठीक काम कर रहा था, इस पर क्या हो गया? इसको नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक इक्वल टू सी। अग्रवाल साहब, क्या है? कब से बुला रही हूँ आपको, मुझे ये बताइए कि हो के सब ठीक तो है ना? मम्मी जी को कुछ? अरे कोई शक नहीं हुआ है, मम्मी को जरा भी शक नहीं हुआ है कि यारो एक रोबो है, सब ठीक है। ठीक है नहीं, लेकिन वो आपकी मम्मी जी है, आपकी, उनसे कोई भी बात छुपा छुपा के छुपाना पॉसिबल ही नहीं है। छुपा छुपा के मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? मम्मी जी, हम आपसे कुछ भी छुपा छुपा के भला क्यों छुपाएंगे? कुछ नहीं छुपाया जा रहा मुझसे। तुम दोनों मुझे यारो के बारे में सच कब बताओगे? अरे अरे हाँ, वो माय मम्मी, वो दरअसल यारो एक बार मैथ में फेल हो गया था, तो वो बात आपको बताई नहीं, वो छुपाई आपसे।
तो आप भी सोचेंगे कि इतने बड़े साइंटिस्ट का बेटा मैथ्स में कैसे फेल हो गया, बस यही तो छुपाया आपसे और क्या। क्यों छुपाया, बताना चाहिए था ना मम्मी जी को। सॉरी। अच्छा कद्दू तू कद्दू है तो अपनी माँ को भी कद्दू समझ रहा है? एक आम लड़का टेरेस तक छलांग कैसे लगा सकता? अरे आपको याद नहीं है बीना जी? क्या? अरे अरे एक बार पहले भी लोगों को शक हुआ था। हुआ था ना? ओ हाँ हाँ शक हुआ था। यारो उड़ सकता है, एक्चुअली यारो उड़ता नहीं है, वो बस खाली एकदम छलांगे लगाता है। कोई बात नहीं, तुम दोनों मुझे यारो के बारे में नहीं बताना चाहते ना, तो कोई बात नहीं, मैं यारो से खुद उगलवा लूंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.